Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you, and welcome to our YouTube channel that is EduOcean Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel, and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can, and please comment it, because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram, as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduOcean Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications, and we will be glad to provide you the educational services. Have a nice day to my all lovely students. So, मैं फिर से आ चुका हूँ हम हमारा नया टॉपिक लेके, that is our new topic is the triangles and its property. Okay, दोस्तों हमने 6th standard में triangles के बारे में सीखा, अभी जो इस साल है तो triangle की कुछ property भी होते हैं, जैसे कि उसके सभी angles का सम होता है 180 degree, ये भी उसकी property है. उसके बाद extra triangle theorem आता है, वो तो most important है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, 9th-10th तक काम आने वाला theorem है, ठीक है. और बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज हम ये टॉपिक में स्टडी करने वाले, ठीक है. हमने सिंपल इक्वेशन टॉपिक स्टडी किया, उसके बाद ये टॉपिक को मैंने सिलेक्ट किया है. ओके, तो इसके आगे इसी का टॉपिक का एक रेगुलर टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे विच टॉपिक वी आर टू डिसाइड, बट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आल्सो बिग, ये हमारे बिलोंग टू ज्योमेट्री. ओके, इस वजह से हम ये ट्रायंगल के टॉपिक को स्टडी अच्छे से करेंगे. उसके बाद तो देखो सर, होता है क्या है, अभी ये ट्रायंगल्स हो गया, तो मैं कुछ पहले 5-2-3 मिनट में मैं आपको कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ. व्हाट मीन बाय ट्रायंगल, ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड. ओके, ट्रायंगल को कितने साइड होते हैं, थ्री साइड. ओके, नेम ले लेते हैं ए बी सी. ओके, उसके बाद अभी देखो अगर मैंने इसकी बात किया वर्टेक्स की, व्हाट मीन बाय वर्टेक्स, वर्टेक्स पॉइंट हो इस पॉइंट को बोलते हैं. ओके, वर्टेक्स कौन कौन से हो गए, दैट इज ए कॉमा बी एंड सी, दिस आर द वर्टेक्स, ठीक है. इसमें थ्री साइड्स होते हैं, कौन कौन से साइड्स होते हैं, थ्री साइड है, इस वजह से इसे ट्राइंगल बोलते हैं. ट्राई इज थ्री, कौन कौन से थ्री साइड से, यू कैन सी हियर ए बी, देखो ये वाली है, दूसरी कौन सी हो जाएगी बी सी, और तीसरी कौन सी हो जाएगी सी ए, या ए सी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही मीनिंग होता है, इसी तीन साइड हो गए. और इसमें तीन एंगल्स भी आते हैं. ओके, हाउ मेनी एंगल्स, थ्री एंगल्स, ठीक है. और कौन कौन से एंगल रहेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. यू कैन सी डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले एंगल्स ए बी सी, ये थ्री एंगल्स हो गए. ओके, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि ट्राइंगल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, कैलेंडर ट्राइंगल की शेप में. ओके, एंगल के बेस पे देखा गया तो हम किसे क्लासिफाई करते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो बेसिक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है. तो ये हो गया छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन. तो अभी मैंने जैसे बोर्ड के ऊपर हेडलाइन लिया, व्हाट इज मीन बाय मेडियन और व्हाट मीन बाय एल्टीट्यूड, ये आपके लिए न्यू है, 7th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट टाइम आता है मेडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट दैट. ओके, ये तो बेसिक था, इसे मैं रफ करता हूँ, ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है. लेट कंसीडर दिस इज माय ट्राइंगल. ओके, नेम दे देंगे इसे ए बी एंड दिस इज सी. चलो अभी इसमें मेडियन क्या होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसको स्टडी करते हैं, ठीक है. मेडियन भी और साथ में एल्टीट्यूड भी. ओके, नाउ व्हाट मेडियन की डेफिनेशन पहले ऑब्जर्व करना, क्या दिया है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज मेडियन. समझ में आ गया, नहीं कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. तो देखो आपको वन बाय वन इसे अच्छे से समझ के लेंगे. लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के डेफिनेशन आपको पता है, हैविंग टू एंड पॉइंट्स. ओके, जॉइनिंग अ वर्टेक्स एंड मतलब एक वर्टेक्स को मैं चूज करूंगा यहाँ पे पॉइंट ए, वो किसको जॉइन करता है, अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड. मुझे ये बताओ इस पॉइंट ए का अपोजिट साइड कौन सा है, व्हिच इज द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए, दैट इज साइड बीसी. अब ये साइड बीसी का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं होगा,
यू नो मिडपॉइंट, मिडपॉइंट क्या होता है जो हमारे साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, इधर भी इक्वल होना चाहिए इधर भी इक्वल होना चाहिए, दैट इज मिड पॉइंट, उसे हम मिड पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो अगर मैंने इसे जॉइन किया मिड, देखो लाइन सेगमेंट द जॉइनिंग ऑफ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, इसको हमने दोनों को जॉइन कर लिया, ये क्या हो गया आपका मीडियन, इसको क्या बोलते हैं मीडियन, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए इस वजह से मैं इसे दो इक्वल पार्ट में बता देता हूँ, इसको बोलते हैं मीडियन। अभी ये पॉइंट आ गया तो मैं इसे एक नेम दे देता हूँ, दैट इज डी, कोई भी एबीसी छोड़ के कोई भी नेम ले लेना। उसके बाद मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट ए से तो मैंने ड्रॉ किया, अब पॉइंट बी से ड्रॉ करेंगे, अभी पॉइंट बी हो गया वर्टेक्स कंसीडर करेंगे, इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ, एसी, एडी मत बोलना, एडी तो मीडियन है, ओके, ये एसी इज द इस अपोजिट साइड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मीडियन होगा, मतलब हमको फाइंड करना पड़ेगा मिड पॉइंट। ओके, और जब मैंने इसे लाइन ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा इसका मीडियन, इसको भी मैं एक नेम देता हूँ ई। ओके, एंड लास्ट व्हाट इज द पॉइंट सी, पॉइंट सी का अपोजिट साइड कौन सा है, दैट इज ए बी, और ए बी का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, और जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो ये जाकर क्या करेगा किसी एक, चलो इसको नेम दे देते एफ। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में तीन मीडियन होते हैं, हमने ट्रायंगल हमने मीडियन साथ है थ्री। ओके, यू कैन सी ए इज अ मीडियन, और साथ में क्या देखता हूँ इनको इससे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इस तरह की सिंबल देता हूँ, सिंबल्स का मतलब क्या होता है, ये दो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए इक्वल टू सिंबल देना होता है, समझो एक लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का, तो मिड पॉइंट कहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, इस साइड भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इस साइड भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है जहाँ पे सभी मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, तो इसको एक नेम होता है, ठीक है, तो इसको नेम होता है ऑर्थो सेंटर, क्या होता है ऑर्थो सेंटर, ऑलवेज रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पे सभी मीडियम इंटरसेक्ट करते हैं, तो कॉमन पॉइंट इसको लाए ऑर्थो सेंटर, या फिर टेक्स्ट बुक में कहाँ पर भी नहीं मेजर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेट ऑफ कॉन्सर्ट अच्छे से याद होगा, इसलिए ऑर्थो सेंटर। आगे एक सेंड्रॉइड भी बोल के आता है, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया मीडियम के बारे में, अभी हम देखते हैं व्हाट अबाउट एल्टीट्यूड। ओके, तो चलो मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिफरेंट साइड का ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसे हल्का सा नाम दे देते हैं ए बी सी। पहले एल्टीट्यूड का डेफिनेशन मुझे पहले बता दो, ठीक है, चलो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ लाइक दिस ए बी सी, रीजन क्या है क्या आपको समझ में आएगा जैसे और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड की डेफिनेशन रेड करेंगे, एल्टीट्यूड का मीनिंग समझेंगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। ओके, तो देखो अब मैंने कंसिडर किया आपका पॉइंट ए, यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज कंसिडर फॉर ए टू बी परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलेंगे एल्टीट्यूड। नाउ आई विल यूज नेम, तो मैं इसे ई नेम देता हूं। ओके, और उसके बाद अगर आपने ऑब्जर्व किया ये पॉइंट बी, पॉइंट बी से मैं यहाँ पे एक समझो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो समझो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना सर, बहुत इजी होता है, आपका जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना कंपास में होता है ना, क्या दो ट्रायंगल जैसे शेप होते देखो, ठीक है, तो उससे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा पॉइंट सी, इस पॉइंट सी से भी अगर मैंने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, अभी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ओके, बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम होती है, बट यू कैन ड्रॉ इट परफेक्टली, ठीक है। तो ये तीन एल्टीट्यूड हम किसी ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं, इफ यू वांट देन यू इट्स नेम एज डी एफ व्हाटएवर चॉइस, और ये जहाँ पे सब इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेंट्रोइड नाम बोल दिया जाता है, सेंट्रोइड, ओके, जी या वो उसे डिनोट होता है ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रोइड, ठीक है, ये क्या करना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी देखो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, और दूसरी बात अभी इसका कुछ थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल के अंदर क्या होता है एल्टीट्यूड कभी कभी बाहर भी जा सकता है, ठीक है, समझो मैंने यहाँ पे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, चलो इसे ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो इसका परपेंडिकुलर मतलब क्या आ जाएगा ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसका एल्टीट्यूड आउटसाइड जाएगा, ट्रायंगल के बाहर जाता है, बाकी सभी में ट्रायंगल के अंदर ही है, ठीक है, इसके
इसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया मीडियम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ग्रिड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अभी हमको बहुत डीप में जाना है और साथ में हमको फर्स्ट एक्सरसाइज को भी शुरू करना है, तो देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो चलो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इन ट्राइंगल PQR। देखो यहाँ पे डायग्राम में बहुत सारे ट्राइंगल है, ठीक है, तो पी क्यू आर ऑफ जरूर पी क्यू आर। देखो कौन कौन से ट्राइंगल है, देखो पी क्यू एम ये भी एक ट्राइंगल है, पी एम डी इधर दोस्तों ट्राइंगल, पी डी आर ये भी ट्राइंगल। तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है कौन से ट्राइंगल में हमको एल्टीट्यूड निकालना है, कौन से ट्राइंगल का मेडियन निकालना है या फुसर्ज करना है। ये सबसे पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, डी इज मिड पॉइंट, डी आ गया मिड पॉइंट। आगे क्या दिया है PM is, मतलब PM क्या है, चलो जल्दी से बताओ PM। देखो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल है और मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसे, एल्टीट्यूड। ये क्या है, दिस इज एन एल्टीट्यूड। ओके एल्टीट्यूड मत करना, ओके ज्यादा करिए बॉयज को बहुत देखे तुम्हें, ठीक है। PD, अभी देखो PD के लिए हमारे पास एक हिंट है, डी इज मिड पॉइंट। अब ये डी इज मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, a line that joins vertex to midpoint is called as median. तो PD क्या हो गया आपका, एक this is one of the median. Okay. दूसरी बात, हमको नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, QM is equal to MR. ठीक है सर, मुझे बताओ ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, इट इज पॉसिबल QM is equal to MR, दोनों इक्वल है, नो दिस इज नॉट इक्वल। ओके दूसरी बात, तो अब इसका आंसर क्या लिखना है आपको, सिंपल सी बात लिखना है, लिखना है डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट QR, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर का सिंबल आपको पता है, थ्री डॉट देते हैं, देयरफॉर QM इज नॉट इक्वल टू MR, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। बट अगर आपने चाह तो ऐसा लिख सकते हो QD जो मिड पॉइंट होता है, QD इज इक्वल टू DR, ये पॉसिबल है। बट ये हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रखना है, आपको इससे कुछ नहीं देना, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट QR इज नॉट इक्वल टू MR, दे आर नॉट इक्वल, हाँ बट ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, डी इज मिड पॉइंट। तो ये हो गया हमारा डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। एल्टीट्यूड आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका परपेंडिकुलर का सिंबल, तो आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। ओके और मीडियम क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अब एक ट्राइंगल के अंदर तीन मीडियन होते हैं, बट हमारे इस डायग्राम में एक ही मीडियन बताया, एक ही नाम लिखेंगे, लेकिन अगर इन केस पूछा गया तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, कितने भी, मैक्सिमम थ्री मीडियंस हम बना सकते हैं मिनिमम, अब आपकी मर्जी, वन बनाओ टू बनाओ बनो ही बनो। ओके एल्टीट्यूड का भी कुछ ऐसे ही होता है, इसमें भी हम ट्राइंगल के अंदर तीन एल्टीट्यूड बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि ये थोड़ी सी कंसेप्ट है, डायग्राम को देखकर अंडरस्टैंड करना है, परपेंडिकुलर का सिंबल आ गया इसका मतलब एल्टीट्यूड आ गया, और मिड पॉइंट बोल के वर्ड आ गया इसका मतलब मीडियन आ गया, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके सर, तो बढ़ते अभी हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके एक्सरसाइज फर्स्ट, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन बोर्ड के लिए ऊपर लिख के रखा है, रीड करेंगे और क्या करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ, तीन डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो, तीनों डायग्राम का एक डिफरेंट वर्क हमको दिया है, क्या डिफरेंट वर्क दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी बीई इज मीडियन, मीडियन के बारे में तो आपको पता है, अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड जॉइन कर दो एंड गिव्स यू मीडियन। सेकंड में क्या दिया, ट्रायंगल पीक्यूआर नेम चेंज करना है, दूसरी डायग्राम सेपरेटली बनानी है, पीक्यूआर एंड पीआर एल्टीट्यूड, पीक्यू और पीआर दोनों की एक एल्टीट्यूड होनी चाहिए उसी ट्रायंगल के, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बता दूंगा आपको। सी बी क्या दिया है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ये तो और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वाई एल एल्टीट्यूड होना चाहिए लेकिन एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है, ट्राइंगल के बाहर होना चाहिए, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए। ओके चलो हर क्यों नहीं, तो उसके बाद देखते हैं अभी हम हमारे बीट को एक्सप्लेन करेंगे, और आपको इसके लिए ना पेंसिल कंपल्सरी लगेगी, पेंसिल स्केल और एल्टीट्यूड बनाने के लिए जो ट्राइंगल की जैसे हमारे ज्योमेट्रिकल शेप में होती है सेट स्क्वायर। ओके इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स देयर आर टू सेट स्क्वायर, ओके एक थोड़ा बड़ा होता है जैसा इक्वल दिखना होता है, उसका यूज होगा, उसका यूज होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ही। तो आपके पास मिनिमम पेंसिल स्केल इतना तो होना ही चाहिए, मिनिमम सेट स्क्वायर नहीं तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, बट इट मस्ट बी कंपल्सरी, ठीक है।
ना। तो अब इसके बाद अगर हमने ऑब्जेक्ट किया तो अभी हम बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। अब आपको क्या करना है, ज्योमेट्री बॉक्स बाजू में रखना है और ऑलवेज रिमेंबर डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओ। इसका रीजन क्या है, जब कभी गलती होगी आप उसे रफ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पेन से ड्रॉ किया और देर विल बी अ मिस्टेक, कुछ मिस्टेक होगी नेम में, डायग्राम में, कंस्ट्रक्शन में, तब आप उसे रफ नहीं कर सकते। और फिर आप क्या करोगे, रफ नहीं करना है बल्कि उसी को करेक्शन करते रहते हो, वो मिस्टेक पे मिस्टेक बढ़ती रहती है, दैट विल बी नॉट गुड साइन फॉर यू। ओके, अब बिगेस्ट और बेटर सुधार ऑलवेज कैरी अ कॉम्पोज बॉक्स एंड ऑलवेज हैव पेंसिल स्केल एवरीवेयर, ठीक है। आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो चलो अब हम हमारे पेज नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन रेड कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज मीडियन, मतलब एक सिंपल ट्राइंगल में ड्रॉ करूंगा, ये हो गया मेरा सिंपल ट्राइंगल। अब आपकी चॉइस, आपको जैसे बनाना है यू कैन। मैं एक और बता दूंगा वैसे आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नेम लूंगा ए बी सी, और बी बोले तो ए सी का मिड पॉइंट ढूंढ लो। अब आपके स्केल से काउंट करना, समझो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो मिड पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ओके। और इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद मीडियम तो मिल गया, लेकिन इस मीडियम को एक नाम देना है, बी ई। बी आ गया ऊपर, ई आ गया नीचे। अगर आप चाहें तो आप किसी और तरह से भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन ड्रॉ ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है। गिव इट नेम एज ए बी सी, और इसका मीडियम जो है कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, ई। यू कैन ड्रॉ दिस वे, ओके। आप ये चूज करो या ये चूज करो, डायग्राम आपके सही है, लेकिन मीडियम। और मीडियम होने के बाद हमेशा याद रखना इसको इक्वल टू का सिंबल है, जब तक आपने इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया आपका आंसर रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये आपका ए सी, इसको हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसका मिड पॉइंट मिल गया, दैट इज बी, एंड वी जॉइन बी टू। आगे समझ में, मतलब ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्शन हो गया, बी ये हो गया आपका मीडियम, ठीक है। मिड पॉइंट को जॉइन करने वाला लाइन सेकेंड। तो अभी हम पढ़ते हैं हमारे बीट नंबर सेकेंड, दैट इज बीट नंबर बी, ओके। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, किससे करना है, कंफ्यूजिंग। पी क्यू और पी आर दोनों भी, तो स्टूडेंट थोड़ा माइंड लगाओ, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें लाइन सेगमेंट खुद एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, जल्दी बताओ। यस, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया ना, तो वहां पे दोनों के दोनों, मतलब बाजू वाली साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखो उसको सबसे पहले मैं सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट। आगे वही कंसेप्ट के लिए क्या दे रहा है, पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड, ओके। तो पी यहाँ पर लिख लेंगे, क्यू यहाँ पर और आर यहाँ पर, और दोनों को दे देंगे 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया आपका आंसर कम्प्लीट हो गया। अब आपको रिविजन का एल्टीट्यूड कहाँ पे दिखाओ हमको, ठीक है। तो आपका एल्टीट्यूड रहा ये पी क्यू, ओके। पी से निकाला हुआ है, तो द अपोजिट साइड दैट इज क्यू आर, ओके। और आर कहाँ पर गया, यू कैन सी पी क्यू एंड पी आर कहाँ गया, पी क्यू आ गया, पी आर नहीं आया, ओके। मतलब देखो पी क्यू एंड पी आर, मतलब मैं इसे थोड़ा नेम चेंज कर देता हूँ, ये कुछ पी आर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए क्यू, ओके। मतलब पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, पी क्यू पी आर दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पी इज अ कॉमन पॉइंट, देयरफॉर मैंने पी को क्या किया, सेंटर पे लिया, पी क्यू पी आर, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस वजह से इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल में होता ही ऐसा है कि उसके आप बाजू बाजू के दो साइड होते हैं, दे आर एल्टीट्यूड सिमिलर, वो साइड भी होते हैं, एल्टीट्यूड भी होते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया, बिकॉज देयर इज अ साइड ऑफ 90 डिग्री, और क्यू पॉइंट से निकला है अपोजिट साइड के, कॉन्सेंट्रेशन देना इंपॉर्टेंट है, माइंड में हमेशा रिसेट करना। और क्यू आर, इसको अगर हमने देखा फ्रॉम आर पॉइंट में ड्रॉ परपेंडिकुलर विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट पी, ठीक है। मतलब ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हो गए, जो कि साइड ऑफ ट्राइंगल भी और एल्टीट्यूड भी दोनों वर्क कर रहे हैं, पी क्यू ट्राइंगल की साइड भी है और एल्टीट्यूड भी, पी आर ये ट्राइंगल की एक साइड भी है और एल्टीट्यूड भी, दोनों वर्क को अकेले कर रहे हैं। नाउ अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड भी, आप चाहे तो आप एक एक्स्ट्रा पेट बना सकते हो कुछ इस तरह से, आपकी मर्जी। 90 डिग्री का सिंबल दे दो, पी कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे क्यू ले लो, यहाँ पे आर, ये भी आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हो। माइंड में क्या रखना है, पी क्यू पी आर, पी कॉमन पॉइंट है, राइट एंगल ट्राइंगल। चलो अभी हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, दैट इज बीट नंबर थ्री की तरफ। क्या दिया है स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल का नेम पता चल गया आपको,
एटीट्यूड बोले के दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए परपेंडिकुलर वाले, ओके एटीट्यूड बोले परपेंडिकुलर डायग्राम, ओके नाउ इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगलच्या बाहेर, एक्सटीरियर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, इंटीरियर म्हणलं तर ते ट्रायंगलच्या आत येईल, ओके जसे की आपण बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन मध्ये की ट्रायंगल के अंदर होता, ओके आणि एक्सटीरियर म्हणजे ट्रायंगलच्या बाहेर, आता आपल्याला बघायचं आहे की एक वाय ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और एक्सटीरियर में कैसे निकालना है। तो मैंने आपको देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने शुरुआत की थी मीडियन और एटीट्यूड की, तब मैंने बताया था एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एटीट्यूड आउटसाइड आता है, क्या नाम बताया था मैंने, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट पहले की बात है और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका एटीट्यूड आउटसाइड मिलता है, ओके ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जैसे अगर रेखा का सूत्र क्या किया, ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया, दिस इज द आईक्यू डायमंड ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूस है क्या, नहीं, जिसकी सभी की सभी एल्टीट्यूड अंदर ही नहीं और बाहर एम भी नहीं जाएगा, सभी की सभी एल्टीट्यूड राइट एंगल पे ड्रॉ किया तो उसकी भी एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाउंड्री पे ही मिलेगा, आउटसाइड नहीं जाएगा। देयर इज ओनली एंड ओनली वन ट्रायंगल, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेम दे दो उसे, क्या नाम दिया है, एक्स वाई Z, ठीक है, तो y थोड़ा सा बेटर बना लीजिए, एक्स वाई जेड। तो देखो आप y से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कुछ ऐसा हो जाए, तो इस लाइन को हमको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, कौन सी वाली लाइन, एक्स जेड, तो ये आगे जाके मिलेगा इस पॉइंट पर, और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम नेम देंगे f, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, वाई इज एल्टीट्यूड विच इज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जिसका हम जिसको हम बोलेंगे इज इन द एक्सटीरियर फॉर्म ऑफ द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, योर ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज योर ट्रायंगल, वाई इज द एल्टीट्यूड विच इज द आउटसाइड विच इज इन द एक्सटीरियर जोन ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ये थोड़ा माइंड में रखना, एक्सटीरियर एल्टीट्यूड बोले की ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी। तो इस तरह से हमने हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की, एल्टीट्यूड मीडियन को एक्सप्लेन किया, ठीक है, और ये आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपके नोटबुक में, जब आप क्लास पे आओगे तो सबके सब आंसर चेक करने वाला, ठीक है। और साथ में इस बात का याद रखना, क्वेश्चन अंडरस्टैंड होने के बाद खुद कंस्ट्रक्ट भी करना है यूजिंग स्किल, मेरे पास तो स्किल भी नहीं है फिर भी मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ परफेक्टली, आपको तो उससे भी अच्छे आने चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, पूरे क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करो और अच्छे से स्टडी करो। अब मैं जब नेक्स्ट लोग मेरा पार्ट आएगा तब मैं एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करूंगा विद बेसिक एक्सप्लेनेशन से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।